In this video, we will talk about energetics of ecosystem. Actually, energetics of ecosystem का मतलब होता है कि एनर्जी जो है वो ecosystem में किस तरह से फ्लो करती है. एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स तो सन है, और सन से ये सोलर एनर्जी यानी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रैप करते हैं, और इसको जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को वो एनर्जी करेंसी यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट या एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, और ये एटीपी जो है वो फर्दर ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और एंड पे जो है वो डीकम्पोजर या डेट्रियस के पास चली जाती है, और वहाँ से ये फिर से साइकिलिक होके दोबारा से जो है वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट, या फिर वेस्ट या लॉस्ट हो जाते हैं टू द इकोसिस्टम. So, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनर्जी क्या होता है. एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क एंड द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है. जो डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है उनके अलावा जो अर्थ के ऊपर सारे के सारे इकोसिस्टम है दोज डिपेंड्स ऑन सन एज अ सोलर एनर्जी आर ए सोर्स ऑफ एनर्जी. ये जो सारी एनर्जी यहाँ पे सन अर्थ के ऊपर आती है इनमें से जस्ट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार जो है दैट इज 60% ऑलमोस्ट वो इसमें ट्रैप होती है, और बाकी सारी जो है वो एटमोसफेयर में लॉस्ट हो जाती है. ये हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में जब हम अर्थ का एनर्जी बजट पढ़ेंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे. एंड सोलर एनर्जी सन इज ट्रैप्ड इनटू द केमिकल एनर्जी दैट इज एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी जो कि एनर्जी करेंसी है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज स्टोर्ड इन द प्लांट टिश्यू एंड देन ट्रांसफर्ड इनटू द मैकेनिकल आर हीट एनर्जी फ्रॉम द एनर्जी ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर लॉस्ट टू द आर गेन बाई द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. सो हम बात करेंगे एनर्जी करेंसी की या एनर्जी इकोसिस्टम की, एनर्जी बजटिंग की. तो ये सन से जो एनर्जी आ रही है उनमें से जो 6% है दैट इज बीइंग लॉस्ट टू द एटमोसफियर एंड 20% दैट इज रिफ्लेक्टेड बाई द क्लाउड्स एंड 4% रिफ्लेक्टेड फ्राम द अर्थ सर्फिस. रिमेनिंग जो है उनमें से यहाँ पे ये लॉस्ट हो रही है 16% एब्जॉर्ब बाई द क्लाउड 3% और जो रिमेनिंग 51% है दैट इज एब्जॉर्ब बाई द लैंड एंड ओशन, और इसमें से जो है वो सोलर एनर्जी जो है फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन जो है वो प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं. ये नीचे इस एनर्जी बजट का जो है वो सोर्स भी यहाँ पे मेंशन है आपके रेफरेंस के लिए. जो एनर्जी प्लांट ट्रैप करते हैं वो प्रोड्यूसर इनको कहते हैं, और ये प्रोड्यूसर जो मोस्टली ये ग्रीन प्लांट्स हैं या फोटोसिंथेटिकली जो फंक्शन करने वाले लाइक फाइटोप्लैंक्टन एल्जी एंड हायर प्लांट्स हैं, और ये जो है वो इस एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और फिर ये एनर्जी अवेलेबल होती है कंज्यूमर्स के लिए. ये कंज्यूमर जो है वो प्राइम हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं लाइक यहाँ पे ये काव नज़र आ रही है, या फिर ये कार्निवोर और ओमनीवोर भी हो सकते हैं लाइक ये ह्यूमन या ये जो है आपको बियर नज़र आ रहा है यहाँ पे जो फिश को जो है वो इसे हंट कर रहा है. तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर से जो प्रोड्यूसर से जो है वो हर्बीवोर या फिर कार्निवोर यानी सेकेंडरी कंज्यूमर तक ये एनर्जी जो है वो मूव करते हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में मूव करने के बाद ये एनर्जी जो एंड पे डेड और डीकम्पोजर्स के पास जाती है जो कि इस एनर्जी को डीकम्पोज करते हैं. दीज आर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या फिर इनको सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं, और ये हैं फंजाई बैक्टीरिया, और ये एनर्जी को जो यहाँ पे कैप्चर होती है ऑर्गेनिक फॉर्म में उसको जो है वो डिग्रेड करते हैं या डीकम्पोज करते हैं, इस वजह से इनको डीकम्पोजर्स कहते हैं. यहाँ पे ये जो है वो इसका फ्लो एनर्जी का दिखाया गया है, यहाँ पे ये सोलर एनर्जी, यहाँ पे डिफरेंट सिंबल से ये इसको शो किया गया है. यहाँ पे ये प्लांट जो है या प्राइमरी प्रोड्यूसर है इस एनर्जी को ट्रैप करते हैं. ये आर फॉर एनर्जी लॉस्ट थ्रू रेस्पिरेशन, ये प्लांट्स इस एनर्जी को लॉस्ट कर देंगे थ्रू रेस्पिरेशन, और कुछ एनर्जी जो है वो ई इन द फॉर्म यानी कि ये जो है वो डीकम्पोजर के पास चले जाएंगे जब ये प्लांट डाई होंगे. इनमें एक और फॉर्म शक्ल दिखाई गई है, सिंबलाइज किया गया है सी की फॉर्म में, और सी इज द कंजम्पशन बाय द ऑर्गेनिज्म एट हाई ट्रॉफिक लेवल. तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो थ्री वेव में जा रही है. एक तो ये आर है ये रेस्पिरेशन की शक्ल में, एक ये ई है ड्यू टू द डीकम्पोजर अगर ये डेड और डीकम्पोज हो जाते हैं प्लांट, और नेक्स्ट जब वो सी है ये जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उसकी कंजम्पशन के लिए. सो इसी तरह से ये जो ये वाला प्राइमरी हमारे पास कंज्यूमर है ये सी एनर्जी को लेता है, तो उसमें से ये भी आर इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन लॉस कर देता है, या फिर ई टू द डीकम्पोजर अगर ये डेड या डीकम्पोज होता है, या फिर ये सी जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की तरफ एनर्जी मूव कर जाती है. इसी तरह से जो भी ये एनर्जी ये सेकेंडरी कंज्यूमर है यहाँ पर नज़र आ रहा, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर ये सी एनर्जी को गेन करेगा, E lost to the decomposer, R lost to the atmosphere as a heat, and C move towards the
नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इस तरह से एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती जा रही है। लॉस्ट देखें यहाँ पे इस एनर्जी का जो है ई की फॉर्म में हो रहा है, आर की फॉर्म में हो रहा है, और ये सी जो है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव कर रही है। तो ये एनर्जी जो है इसकी थ्री आर्म्स बनती हैं। इस तरह से यहाँ पे ये 10% लॉ यहाँ पे दिखाया गया है कि जो भी एनर्जी जो है वो कैप्चर होती है प्लांट से, उनमें से जो है वो 10% जो है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक मूव होती है। इसका नेक्स्ट लॉ भी है जो रेमंड ने दिया था, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये 10 जॉल एनर्जी इसके पास जाएगी, उससे जस्ट 1 जॉल जो है वो 10% उसका जो है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव करेगी, और 9 जॉल एनर्जी जो है वो लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन आर टू द डीकम्पोजर। तो हर जो एनर्जी है उसकी मतलब थ्री आर्म्स बनती हैं, एक सी, एक आर और एक ई। जब भी बात कर रहे थे कि एक 10% ला है, 10% ला का मतलब है कि 90% एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है और जस्ट 10% एनर्जी जो है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव करती है। एंड दिस लॉ वाज गिवन बाय द रेमंड लिंट्समैन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल ओनली 10% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर इज स्टोर्ड एज फ्लैश एंड रिमेनिंग 90% जो है वो लॉस हो जाती है। रिमेनिंग इज लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसफर ब्रोकन डाउन इन रेस्पिरेशन अ लॉस्ट इन कंप्लीट डाइजेशन। दिस लॉ वॉज गिवन बाई रेमंड लिंट्समैन। ये वही सेम 10% लॉ दिखाया गया। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो 100% अगर एनर्जी को कैप्चर करते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर जो है वहाँ पे 10% एनर्जी पहुँचेगी, बाकी 90% जो है वो लॉस हो जाएगी। इसी तरह से 10% का 1% यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर के पास पहुँचेगी, 1 से 0.1% जब थर्ड लेवल कंज्यूमर के पास जाएगी, और फिर जो एपेक्स प्रीडेटर्स होंगे उनके पास 0.01% जो है वो एनर्जी जाएगी। बाकी सारी की सारी एनर्जी जो है वो यहाँ पे एक बिग शेयर जो है वो लाइन शेयर इसको भी बोलते हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे लॉस्ट हो रही है। ये सेम सी पैरामिड में दिखाया गया है। ये एनर्जी प्रोड्यूसर जो है यहाँ पे एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर है, एनर्जी लॉस्ट हो रही है यहाँ पे, और रिमेनिंग एनर्जी जस्ट 10% जो है वो इन कंज्यूमर के पास आ रही है। यहाँ से सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जस्ट 10% जा रही है और बाकी 90% लॉस हो रही है। इसी तरह से टर्शरी कंज्यूमर के पास भी उस एनर्जी का जो इन्होंने कैप्चर की थी उसका 10% जा रहा है और बाकी सारा लॉस्ट हो रहा है। इसको वाई शेप्ड एनर्जी, जी हाँ, ये मैंने बात की थी वहाँ पे जब हम बात कर रहे थे थ्री आर्म है उसकी, जिसका हमने एक आर्म को कहा था कि एक ई है जो लॉस्ट हो रही है एनवायरनमेंट को, एक सी है जो कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की तरफ जा रही है, और एक और है जो रेस्पिरेशन की शक्ल में जो है वो मूव कर रही है एटमॉस्फेयर में। तो ये थ्री आर्म्स बताई थी हमने किसी भी एनर्जी की मूवमेंट की विद इन एन इकोसिस्टम, और इसी को जो है वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द ओजम नेचुरली टू टाइप्स ऑफ फूड चेन जो है वो मूव कर रही होती है। एक ग्रेजिंग फूड चेन है विच बिगिन्स फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स एंड प्रोड्यूस टूवर्ड द हर्बीवोर्स एंड देन टूवर्ड्स द कार्निवोर, जो कि सीधी फ्लो कर रही है। जबकि जो डेट्रेस फूड चेन है विच स्टार्ट फ्रॉम द रोटन ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड प्रोसीड टूवर्ड द कार्निवोर थ्रू द डेट्रीवर्स। तो ये सेकेंड आर्म जो है वो यहाँ पे दो फूड चेन मूव कर रही है, एक प्रोड्यूसर वाली और एक डीकम्पोजर वाली फूड चेन मूव कर रही है। सो इस सारे लेक्चर का कंक्लूजन क्या है कि जो भी इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है, अमंग द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर कंपोनेंट्स, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जा रही, दोबारा उसके पास वापस नहीं आ रही। ये हमने एरो से शो करवाया, एंड एरोज जो है वो शो करते हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है इसकी। एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम इज नेवर डिस्ट्रॉयड बट इट इज़ कन्वर्टेड, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर इकोसिस्टम में या डीकम्पोजर में आ रही है, ये लॉस्ट नहीं हो रही। एंड ओनली 10% ऑफ एनर्जी पास टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये हमने रेमंड लिंट्समैन का लॉ भी पढ़ा था, लॉ ऑफ 10%। एंड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज वॉज वेरी फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर। एंड प्लांट प्लेज अ वाइटर रोल इन कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी, क्योंकि प्लांट ही इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट में या एटीपी में एनर्जी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, जिसको फिर फर्दर ट्रॉफिक लेवल में मूवमेंट होती है। ओनली देर इज अ लिंक इन द फूड चेन और द फूड वेब, ये सारी की सारी जो है वो इंटर कनेक्टेड होती हैं, इज रिमूव्ड, अगर हम इनमें से किसी एक को भी रिमूव कर देंगे तो एनर्जी जो है वो मूव नहीं कर सकेगी या फ्लो मुमकिन नहीं होगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो बेटा तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।